कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ मांग लो, काम हो जाएगा। हाँ ला 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 ला। सुनिए इधर, नेक्स्ट क्लास में, हेलो, नेक्स्ट क्लास, सेकंड चैप्टर, सेकंड चैप्टर ही है, बिजनेस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सीवीटी के जो कंटेंट है उसके अनुसार से ही बना हुआ है, आपके 12th क्लास के अनुसार नहीं बना हुआ। चलिए माइक चेक करो भाई, ओके रिपोर्ट है, देखो ठीक है। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो चेक चेक। हाँ ठीक है, यहाँ तक फ्रेम में रखना। चलिए हंसी वसी रोक लीजिए, थोड़ा शुरू करते हैं, लाइव कर दिए। हेलो, चलिए देर, लेसन ध्यान दीजिए सब लोग प्लीज। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले इस चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये चीज जानना जरूरी है कि प्रिंसिपल्स होता क्या है। बेसिकली प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, अगर प्रिंसिपल्स का मतलब आपको पता चल जाएगा तो आप इसके बहुत सारे रिलेटेड जो है आपके जो कंफ्यूजन रहते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ध्यान सुनना इधर, प्रिंसिपल्स, लिसन हेलो, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई ट्रुथ जो आपको किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में, अगर आप हैं तो सिचुएशन में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, उसमें आपको ये प्रिंसिपल गाइड करता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपने महाभारत की कहानी सुनी होगी कि महाभारत में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का जो है पाठ पढ़ाया, जो कृष्ण भगवान ने महाभारत के अंदर जो अर्जुन को अलग अलग चीजें बताई, क्योंकि अर्जुन एक पार्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर फंसा हुआ था। अर्जुन सवाल कर रहा था कि भाई साहब मैं अपने परिवार को कैसे मारूं, मैं अपने जो है अपने लव वंस पे कैसे वार करूं, उन पे कैसे तीर चलाऊं, उनको मैं कैसे मारूं। तो वो एक पार्टिकुलर सिचुएशन में फंसा हुआ था। अब उस पार्टिकुलर सिचुएशन में अर्जुन को क्या करना चाहिए, उसके लिए भगवान कृष्ण ने जो है अलग अलग अर्जुन को प्रिंसिपल्स दिए, अलग अलग गीता का पाठ पढ़ाया, जिससे कि अर्जुन को क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया। क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे हमारे हिंदू के लिए हमारे महाभारत है जो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, मुस्लिम लोगों के लिए कुरान है जो उसके लाइफ स्टाइल में अलग अलग सिचुएशंस के अंदर उसे क्या करना चाहिए उसके लिए वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे बाइबल है या गुरु ग्रंथ साहब है, ये सारे जो बुक्स हैं वो अलग अलग रिलीजन के लोगों को पार्टिकुलर सिचुएशन में आने के बाद उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या स्टेप लेना चाहिए, उसका एक्शन क्या होना चाहिए, उस एक्शन के लिए उसे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो सवाल ये है कि जैसे आपके नॉर्मल लाइफ के अंदर आपके पास अलग अलग सिचुएशन आता है, वैसे ही आपके जो बिजनेस के लाइफ है, आई मीन जो बिजनेस का सिचुएशन है, बिजनेस जब आप करते हैं, मैनेजमेंट आप करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं, उस समय भी आपके पास अलग अलग सिचुएशन आता है, अलग अलग आपके पास सर्कमस्टांसेस आते हैं। तो वो सर्कमस्टांसेस के अंदर, उस सिचुएशंस के अंदर एक मैनेजर को क्या एक्शन लेना चाहिए, एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, एक मैनेजर को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे आपके लाइफ जीने के लिए आपके पास महाभारत का जो गीता का पाठ है वो है, कुरान है, बाइबल है, वैसे ही मैनेजर के लिए, मैनेजरियल सिचुएशंस को डील करने के लिए
कि पार्टिकुलर मैनेजरियल सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए हमारे जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि मान लो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्लॉय नाराज, ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्लॉय जो है सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस सिचुएशंस को मैनेजर कैसे डील करेगा, उसके लिए अलग अलग जो है हमारे प्रिंसिपल्स मिले हुए। अगर आपका काम जो है सही समय पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्योस हो रहा है, उसको डील करने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल्स अवेलेबल है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल्स अवेलेबल है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे जो लोग हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, वो डीमोटिवेटेड है, तो वो मोटिवेटेड कैसे होंगे, उसके लिए हमारे पास अलग अलग प्रिंसिपल्स अवेलेबल है। जैसे सिंपल अगर मैं बोलूं आपको, तो अगर कोई भी आदमी उलझन में है, अगर मैं ये बोलूं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को ऐसे डील कर सकते हैं, ध्यान सुनना इधर, कि आप मान लो हमारा जो मैनेजर है वो मैनेजर किसी पार्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर है, ये मैनेजर है और मैनेजर्स को पार्टिकुलर सिचुएशंस आ रहे हैं, सिचुएशन नंबर 1 आ रहा है, सिचुएशन नंबर 2 आ रहा है, सिचुएशन नंबर 3 आ रहा है, सिचुएशन नंबर 4 आ रहा है, या प्रॉब्लम या सिचुएशंस कह सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमारे मैनेजर के पास दो रास्ता, एक रास्ता ये है कि हमारा मैनेजर जो है कोई काम करके देखता है। जैसे मान लो जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो करके देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो फिर से करके देखेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। ये मैनेजर कर सकता है कि ट्राई कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल। और जब मैनेजर पार्टिकुलर सिचुएशंस को डील करने के लिए हिट एंड ट्रायल को यूज करेगा, तो इसमें हमारा टाइम कंज्यूम होगा, इसमें हमारे रिसोर्सेज जो है वो क्या होंगे, कंज्यूम होंगे, रिसोर्सेज बर्बाद होंगे और शायद हमें ज्यादा नुकसान होगा, या हमें सही सिचुएशन में पहुंचने में या उसका सही सलूशन ढूंढने में हमें टाइम लगेगा, और उस सिचुएशन पे पहुंचते पहुंचते हमारा कई रिसोर्सेज बर्बाद हो सकते। उसके लिए क्या है कि इस सिचुएशंस को डील करने के लिए हमारे पूर्वज किसके, ये मैनेजर के पूर्वज कौन, जो पहले के मैनेजर रहे, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस को 20 साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज किया है, ऑर्गेनाइजेशंस को डील करा है, वैसे जो पूर्वज हैं या हमारे जो पास्ट मैनेजर्स हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उन्होंने अपने जो है एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, अलग अलग सिचुएशंस में एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स डिराइव किया हुआ। इन द सेंस व्हाट, कि हमारे जो पास्ट के मैनेजर हैं, जिन्होंने आज के 100 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले, उन्होंने जो एक्सपीरियंस करा है, सिचुएशन को ऑब्जर्व करा है, और उस सिचुएशंस को ऑब्जर्व करने के बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे और उसका एक इन्होंने क्या निकाल लिया, रास्ता निकाल लिया, और उसी रास्ता का क्या नाम दिया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो आज के प्रेजेंट मैनेजर है, ध्यान सुनने इधर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है आज के जो हमारे प्रेजेंट मैनेजर हैं, उनको पढ़ाया जाता है। आज के प्रेजेंट मैनेजर को जब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो यही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे मैनेजर्स को बताया जाता है, क्योंकि आज जो हमारे प्रेजेंट मैनेजर हैं, या आज जो आपके फ्यूचर, आप लोग सब जो है फ्यूचर मैनेजर हैं, आपको उस प्रिंसिपल्स को इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि कल के टाइम में जब आप मैनेजर बनेंगे और आपके पास कोई सिचुएशंस आएगा, आप हिट एंड ट्रायल यूज नहीं करेंगे, वहां पे आप क्या करेंगे, इनके दिखाए गए रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, और वो रास्ता जो है, जो दिखाए गए रास्ते हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको डायरेक्शन देगा, वो आपको गाइड करेगा कि इस पार्टिकुलर सिचुएशंस में एक मैनेजर को क्या एक्शन लेना चाहिए, इस पार्टिकुलर सिचुएशन में एक मैनेजर को क्या करना चाहिए। तो ये है हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बोलूं, तो ये हमें, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आइए बात करते, ध्यान सुनिएगा,
आ गया क्या? बैग में? ओके ये अब ध्यान सुनिएगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको हम लोग बात करते हैं, अब जो है हमें इसका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। प्रिंसिपल्स एक स्टेटमेंट होता है, प्रिंसिपल जो है एक स्टेटमेंट होता है जो विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ। मैंने पहला वर्ड यूज किया कि प्रिंसिपल एक्चुअली होता क्या है, एक सच्चाई होती है, ट्रूथ होता है, और जो ट्रूथ है अबाउट द फेनोमेनन बेस्ड ऑन द काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। किसी पार्टिकुलर सिचुएशंस के लिए एक सच्चाई होती है कि भाई साहब जैसे मान लो एक साइंस के प्रिंसिपल्स का एग्जाम्पल लेते, कि साइंस का प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक सच्चाई है, एक ट्रूथ है, फेनोमेना है कि भैया अगर आप काउज एंड इफेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हो या ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करते हो तो वो ऑब्जेक्ट ये क्या है, काउज है, और उसका इफेक्ट ये होगा कि भैया वो जो ऑब्जेक्ट है वो धरती की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। इन द सेंस वर्ड कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक सच्चाई होता है एक फेनोमेना को लेकर के, और वो सच्चाई जो है वो काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे होता है। इन द सेंस अगर आप ये करोगे तो ये होगा, इन द सेंस वर्ड कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो वाटर बनेगा, जो है किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करेंगे तो वो धरती की तरफ आएगा, एक काउज है और उसका एक क्या है, इफेक्ट है। वैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया जाएगा वो एक ट्रुथ, मैनेजमेंट को लेकर के वो ट्रुथ है, अगर आप ये काम करोगे तो ये उसका इफेक्ट होगा। जैसे मान लो कि आपका मैनेजर, आपका जो इम्प्लॉई है डीमोटिवेटेड है, अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी का इस्तेमाल करोगे या प्रिंसिपल्स ऑफ रेमुनरेशन का इस्तेमाल करोगे, आपका ये काउज है और उसका इफेक्ट ये होगा कि आपके जो मैनेजर है, ये सॉरी जो आपके इम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेटेड हो सकते हैं, वो सेटिस्फाइड हो सकते हैं, और उनके पास जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन से हटेंगे और प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी आप यूज करके उनके डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सकते हो। इन द सेंस वट दीज आर द स्टेटमेंट, अगर मैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ध्यान सुनिएगा, दीज आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ। ये जो है वो एक स्टेटमेंट है फंडामेंटल ट्रूथ का, ध्यान सुनिएगा, फंडामेंटल ट्रूथ सर्व्स एज अ गाइड टू एंड एक्शंस ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस, एक्शन एंड देयर एग्जीक्यूशन। मैंने बोला अगर कोई पार्टिकुलर सिचुएशन में कोई मैनेजर है, अगर मैनेजर को कोई पार्टिकुलर सिचुएशन सामने दिख रहा है तो उस पार्टिकुलर सिचुएशन में मैनेजर को क्या करना चाहिए, पार्टिकुलर सिचुएशन में मैनेजर का क्या एक्शन होना चाहिए, वो कौन सा मैनेजरियल डिसीजंस लेगा, उसका एक्शन क्या होगा, उसका एग्जीक्यूशंस क्या होगा, उसके लिए आपके पास क्या मिल जाता है, गाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, गाइड मिल जाता है। मतलब अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करूं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली में है क्या, गाइडेंस है। किसके लिए, हमारे मैनेजर्स के लिए। किस चीज के लिए, मैनेजर्स को एक्शन लेने में कि भैया क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको क्या डिसीजंस लेना चाहिए, आपको कैसे काम करना चाहिए, आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसके लिए जो है आपके पास एक गाइडलाइंस है, आपके पास एक स्टेटमेंट है जो हमारे मैनेजर्स को क्या करेगा, गाइड करेगा। तो यह है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब सवाल ये कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे डिराइव किया गया, क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोई हमारे जो पास्ट के मैनेजर थे वो रात को उठे, सुबह रात को सोकर के उठे और सुबह सुबह उन्होंने 4-5 लाइनें लिख दी और बोली भैया ये हमारा प्रिंसिपल्स है मान लीजिए सब लोग। ऐसा नहीं, हमारे जैसे साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं या जो हमारे लाइफ के प्रिंसिपल्स होते हैं, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशंस के बेसिस पे बनाए जाते हैं। जैसे साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स कैसे डिराइव किए गए हैं, वो प्रिंसिपल्स डिराइव करने से पहले हमारे जो साइंटिस्ट ने पहले चीजों को ऑब्जर्व करा होगा,
फिर ऑब्जर्व करने के बाद उसका क्या करा होगा, एनालिसिस करा होगा, एक्सपेरिमेंटेशन करा होगा। एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद उस चीजों को, एक्सपेरिमेंटेशन करने का मतलब होता है उस चीजों को अलग अलग जगह पे क्या किया होगा, अप्लाई किया होगा, और अप्लाई करने के बाद अगर सेम रिजल्ट आया होगा तो फिर उसको उसने बता दिया कि भैया ये क्या है, प्रिंसिपल्स है। ये क्या है, प्रिंसिपल्स है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या प्रिंसिपल्स ऑफ मोमेंटम, ऐसे कई चीजें जो है वो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं हमारे साइंटिस्ट के द्वारा, तो साइंस के प्रिंसिपल्स उसको बोलते। बात यह है कि हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे बनाए गए, तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो भी बनाए गए हैं डीप ऑब्जर्वेशंस पे। मैंने बोला कि सबसे पहले हमारा जो मैनेजर होता है जब वो चीजों को एक्सपीरियंस करता है तो उसको वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। भैया देखता है कि अच्छा ये चीज मैंने करा तो इसका ये इफेक्ट हुआ, अच्छा चल को फिर से ये चीज करके देखते हैं, फिर ये किया फिर उसका सेमी इफेक्ट आया। मतलब सबसे पहले वो क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, और फिर वो क्या करेगा, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन करेगा जो उसने ऑब्जर्व करा। जैसे मान लो कोई मैनेजर पहली बार क्या किया होगा कि हमारे जो इम्प्लॉइज है नाराज है, हमारे इम्प्लॉइज दुखी है कि भैया हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि भैया नहीं, एक रूल बना दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रिंसिपल्स अप्लाई कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जहां पे ये कहा गया है एवरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी लोग हैं सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, किसी भी लोगों को जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन या जो है ग्रीड्स के बेसिस पे, उनको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा करियर में आगे बढ़ने के लिए। इन सेंस व्हाट, कि उन्होंने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, फिर उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को क्या किया, डिराइव किया। मतलब जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जैसे लाइफ के प्रिंसिपल्स बनाए गए, वैसे ही हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी बनाए गए। इसे सिंपल सी बात है कि आप लाइफ में कई जगहों पे फंसते हो, कई जगहों पे एक सिचुएशन आता है आपके पास, उस सिचुएशन में आपके माइंड में कंफ्यूजन होता है, आपके माइंड में सोचने का सोचते रहते हो कि भैया यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में आप देखिएगा ह्यूमन बींग्स क्या करता है, कोई एक्सपीरियंस आदमी से बात करता है। जैसे मान लो अभी आप लोग जो है 12th क्लास में हो, आप लोग सीवीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन आता होगा तो आप अपने सीनियर से बात करते होगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, मतलब उसने चीजों को एक्सपीरियंस किया हुआ है, ऑब्जर्व करा हुआ है, तो वो शायद आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। इन द सेंस व्हाट, ये सिंपल सी बात है कि आपके लाइफ को जैसे गाइड करने के लिए एक्सपीरियंस लोगों के पास जाते हैं, वैसे मैनेजर को गाइड करने के लिए भी हम एक्सपीरियंस लोगों के पास जाते हैं, जो एक्सपीरियंस लोगों ने हमारे लिए क्या बना के रखा हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे उस मैनेजर्स का, हमारे उस जो लोग हैं एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनको क्या एक्शन क्या डिसीजन लेना चाहिए उसे वो डिटरमाइन करता है। ध्यान से देखिएगा, अब आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको क्लियर हो गया होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल क्वेश्चंस अगर आपका आता है, एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट जो है हमारे इंप्लॉइज को गाइड कर रहा है, हमारे मैनेजर्स को गाइड कर रहा है, बताइए भैया ये कौन सा चीज है या क्या है, ये कौन सा स्टेटमेंट है, या आप कह सकते हैं ये कौन सा एलिमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो आप कह सकते हो कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज ए गाइडिंग फैक्टर ऑफ फॉर द मैनेजर, कि मैनेजर क्या एक्शन लेगा क्या डिसीजन लेगा उसके लिए गाइडिंग फैक्टर्स की तरह काम करता है। ये बात करते हैं नेचर की तरफ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है। सबसे पहला नेचर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मींस दे कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो साइज में अलग हो, चाहे वो नेचर में अलग हो, चाहे उसका लोकेशन अलग हो, एवरीवेयर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होगा। इन द सेंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अप्लाई होगा,
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है आपका नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होगा। मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ वर्क, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज, इरेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, द प्रिंसिपल्स ऑफ डिविजन ऑफ, जैसे एग्जाम्पल एक एक प्रिंसिपल्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, ध्यान सुनना, एक प्रिंसिपल्स का एग्जाम्पल दिया गया जिसका नाम है डिविजन ऑफ वर्क। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है जो सब लोग अप्लाई करता है, अलग अलग जगहों पे आप लोग भी अप्लाई करते हो। डिविजन ऑफ वर्क कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ओवरऑल कोई बहुत बड़ा काम है, बहुत सारा काम करना है और हम लोग कई लोग हैं उस काम को करने के लिए, तो व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं कि सारे लोग मिलकर के उस काम को क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। काम को पहले डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करके एक एक पर्सन को वो काम क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं कि भैया आप ये वाला काम देख लो, आप ये वाला काम देख लो, आप ये वाला काम देख लो। मतलब सिंपल आप अपने घर में भी ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई करते हो, सिंपल जो है अगर कोई पार्टी फंक्शन करते हो वहां भी अप्लाई करते हो, अगर आपके पास कोई जो है अपने कॉलेज में, स्कूल्स में, कोचिंग में कोई फंक्शन करते हो वहां भी अप्लाई करते हो कि भैया इनको ये वाला काम दे दिया, इनको ये वाला काम दे दिया, इनको ये वाला काम दे दिया। इन द सेंस व्हाट, कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लीकेबल एवरीवेयर, हर जगह पे अप्लीकेबल है, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, इरेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, कहीं भी वो अप्लाई होगा। तो ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल अप्लीकेबल है। यहाँ सवाल कैसे आ सकता है, आपको कुछ ऐसा सवाल दिया जाएगा जहां पे आपको ये केस स्टडी में लिखा हुआ होगा कि भैया ये जो चीजें है, ये स्टेटमेंट जो है या ये जो तरीका है वो हर जगह पे अप्लाई होता है, ये जो चीजें है वो हर जगह पे अप्लाई हो रहा है, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई हो रहा है। तो आप बताइए कि भैया ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कौन से नेचर को डिनोट कर रहा है, ये कौन से नेचर को हाईलाइट कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे, ये कौन सा है, यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी, कि भैया ये हर हर जगह पे अप्लाई हो रहा है, इसीलिए इसको हम जो है यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी कह सकते हैं। दूसरा बात, ये जनरल गाइडलाइंस, ध्यान सुनना इधर, जनरल गाइडलाइंस, ये जनरल गाइडलाइंस और सॉल्यूशन में फर्क होता है, ध्यान सुनिएगा इधर, जनरल गाइडलाइंस में और सॉल्यूशन में फर्क होता है। अगर मान लो कोई पर्सन हमारे पास आता है और उसको मैंने सॉल्यूशन दिया, वो गाइडलाइंस नहीं है, मैंने उसका सीधे सॉल्यूशन कर दिया कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये वाला अप्लाई कर लो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सॉल्यूशन नहीं देता, एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देता। आप इसको कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, गाइडेंस। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन देना और गाइडेंस में क्या होता है, फर्क होता है। सॉल्यूशन मतलब यह होता है कि भैया एज इट इज आपके प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया, बट गाइडेंस का मतलब होता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, वो रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है और रिजल्ट क्या आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, बट सॉल्यूशंस का जो होता है वो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इन द सेंस व्हाट, कि भैया अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको, यह सॉल्यूशन है, इसको करो, काम खत्म, तो वो हो गया सॉल्यूशन। बट मैंने बोला कि आप ऐसा कर सकते हो, ये एक तरीका है जिससे इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को क्या किया जा सकता है, डील किया जा सकता है। अगर आपको कुछ ऐसा हमने इशारा किया हुआ है कि इसको डील किया जा सकता है, ये तरीका अपनाया जा सकता है, इट इज अ गाइडलाइंस, ध्यान रखिएगा। यहां पे बात करते, ध्यान से सुनिएगा सब लोग इधर, हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है गिव्स गाइडलाइंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दिस प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस। मैंने क्या बोला, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, उस सॉल्यूशंस का गाइडलाइंस देते हैं। लोग रेडीमेड नहीं बोलता कि भैया तबियत खराब है, पारासिटामोल खा लो ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा सॉल्यूशन मिल जाता तो देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी मैनेजेरियल प्रॉब्लम आता ही नहीं, हर मैनेजेरियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल होता। अच्छा, मैनेजेरियल प्रॉब्लम नंबर वन, टैबलेट नंबर वन यूज करिए, काम खत्म, या आप जो है प्रिंसिपल्स नंबर वन यूज करिए, काम खत्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन फेल ही नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा,
भी आपको अगर आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या रेडीमेड सॉल्यूशन है, नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जस्ट एक गाइडलाइंस है, एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, वो हमें रास्ता दिखाता है, वो हमें 100% सॉल्यूशंस नहीं देता कि भैया ये रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है फॉर ऑल दोस, ध्यान सुनिएगा, फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. दिस इज द बिकॉज बिजनेस सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक एंड ए आर रिजल्ट मे बी फैक्टर्स. ध्यान सुनेगा, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, ये गाइडेंस है. क्यों? ध्यान सुने सर, क्यों? क्योंकि बिजनेस में जो है सिचुएशन अलग अलग होते हैं, अलग अलग बिजनेस के अलग अलग सिचुएशन होते हैं, और सिचुएशन भी जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं. सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स, सिचुएशन आर वेरी डायनेमिक, सिचुएशन जो है रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, चेंज होता है. सिचुएशन जो है वो क्या है, अभी क्या सिचुएशन है, अगली बार क्या सिचुएशन हो जाएगा. तो उस समय जो है आपका जो रिजल्ट है, आप सिचुएशन में आपका क्या रिजल्ट आएगा, क्या प्रिंसिपल अप्लाई करोगे, उसका जो रिजल्ट है वो वैरी कर सकता है. इन द सेंस बट अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिजल्ट आ सकता है. एक बार आपने जैसे एग्जाम्पल ले लो कि मान लो एक बार आपने जब अपने नाराज इम्प्लॉइज को आपने एक प्रिंसिपल अप्लाई करा तो आपके इम्प्लॉइज खुश हो गए और आपके इम्प्लॉइज मोटिवेटेड हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, तो आपको लगा भैया ये तो आसान हो गया. लेकिन अगली बार जो है हमारे इम्प्लॉइज अलग तरीके से नाराज हुए पड़े, उनको कई प्रिंसिपल्स लगा के मैं देख लिया, इक्विटी वाला प्रिंसिपल्स लगा लिया, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाला प्रिंसिपल्स लगा लिया, तब भी वो हमारे हमारी बात मानने को तैयार नहीं है. क्यों? क्योंकि वहां पे सिचुएशन क्या है, अलग है. वहां पे फैक्टर क्या है, अलग है. मतलब आपका जो है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अलग अलग सिचुएशन आ सकता है जो चेंजेबल है, डायनेमिक है. वहां पे आपकी रिजल्ट जो है वो वैरी कर सकती है, रिजल्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट निकल सकता है. ध्यान रखिएगा इस बात का. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड. ध्यान सुनिएगा इधर. Because even a small guidelines help solve the given problem. अब ये भी है, क्या principles of management को underestimate कर लिया जाए? अगर मान लो कोई हमें guidance provide कर रहा है तो क्या guidance को हम underestimate कर ले कि भैया ये तो guidance है, ठीक है अपना तरीका यूज कर लेते हैं, गाइडेंस यूज करने का क्या जरूरी है, हम खुद काबिल हैं, हम क्यों यूज करेंगे गाइडेंस, समझ में आ रही बात? उस कंडीशन में ऐसा कहा गया है कि नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है एक, ध्यान सुनो इधर, छोटा सा रास्ता, अगर जो आदमी कंफ्यूजन में है, आदमी को प्रॉब्लम हो रही है कि ये वाला रास्ता लिया जाए, ये वाला रास्ता लिया जाए, ये वाला रास्ता लिया जाए, वहां पे आपको एक गाइडेंस अगर मिल जाता है तो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ लेके जाता है. आप आसानी से प्रॉब्लम को क्या कर पाते हो, सॉल्व कर पाते हो. इन द सेंस वर्ड कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर क्रूशियल, ये जनरल गाइडलाइंस है हमारे प्रॉब्लम को डील करने के लिए, हमारे सिचुएशंस को डील करने के लिए. इस बात का ध्यान रखिएगा. तो यह है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सेकेंड नंबर फीचर. तीसरा फीचर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो फीचर में ही आ रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म कैसे होता है. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म करने के लिए मैंने बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो फॉर्मेशन होता है वो डिपेंड करता है, किस बात पे डिपेंड करता है, वो है फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. भाई साहब, सबसे पहले जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा सिचुएशंस को डील करोगे, जितने ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम्स को आप जो है सोल्यूशन निकालोगे, प्रॉब्लम को डील करोगे, अलग अलग सिचुएशन में डिसीजंस लोगे, अलग अलग सिचुएशन में जो एक्शन लोगे, उससे जो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द सेंस फॉर्म होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका जो है आप एक तरीका बता सकते हो लोगों को, एक गाइडेंस बता सकते हो लोग. इसे एग्जाम्पल ले लो कि सीए के एग्जाम का मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ. चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जामिनेशंस में बहुत सारे जो सीनियर है उनका एक जो कई बार फेल होते हैं सी एग्जामिनेशन में, और फेल होने के बाद, तीन चार बार फेल होने के बाद उनसे पूछो कि भाई बताओ ये तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस हुआ कि तुम चार बार फेल होने के बाद जो है एक बार जो है आकर के तुम पास कर गए. तो उसने बोला कि भाई पता है चार बार में मैंने एक्सपीरियंस ये करा कि सीए के एग्जामिनेशन में चाहे आप फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं, हमारे जो सीनियर हैं जिन्होंने कई बार एक्सपीरियंस करा एग्जामिनेशन को, उन्होंने एक प्रिंसिपल निकाल दिया, अगर सीए का एग्जाम निकालना है तो आपको
अननेसेसरी बुक्स के ऊपर आपको जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको क्या ध्यान देना चाहिए, आप आईसीआई के मटेरियल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। अगर आईसीआई के मटेरियल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, उसके आरटीपी एमटीपी को बताओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे, वो आपके लिए मोर देन क्या है जी, इनफ है। जैसे हमने भी एग्जामिनेशन दिया था, टीचर्स ने बोला भैया हमारी किताब पढ़ लो, एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगा, मोटी मोटी किताबें दे दी, हम लोग उस किताब में उलझ गए। बट जब दो बार तीन बार जब ऐसा हुआ और लोगों से मैंने बात करा, उन्होंने बोला नहीं, आईसीआई का जो प्रैक्टिस पेपर आता है, आईसीआई का जो मॉड्यूल है, उसका क्वेश्चन डील कर लो। मतलब क्या, जान सुना इधर, मतलब हमारे जो सीए के स्टूडेंट हैं, जो हमारे जो पास्ट स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक प्रिंसिपल निकाल दिया कि सीए एग्जामिनेशन पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैव टू स्टडी द आईसीआई मटेरियल। इन द सेंस बट कि प्रिंसिपल्स कोई भी निकाल सकता है, आप भी प्रिंसिपल्स निकाल सकते हैं, मैं भी प्रिंसिपल निकाल सकता हूं। प्रिंसिपल कहां से आता है, एक्सपेरिमेंटेशन, एंड कहां से आता है, प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको ज्ञान खुलता है, और जब आपको ज्ञान खुलता है और उस ज्ञान को आप कई जगह पे अप्लाई करते हो और रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल्स बन जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये है हमारा प्रिंसिपल्स का जो मैंने आपको बताया। अब आइए बात करते हैं, देखिए इधर, अब यहाँ पे हमने जो है डील करा इसको, अब देखिए आगे आते हैं फोर्थ नंबर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेलो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको जो है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको जो है वो ये कहता है कि यू आर फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको रिजिड नहीं बनाता है। इसका मतलब क्या होता है समझना है, जैसे साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं मेरे भाई, वो साइंस के प्रिंसिपल रिजिड होते हैं। इन द सेंस वर्ड कि साइंस के प्रिंसिपल्स आपको बोलते भैया ये फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, उसमें कोई और चेंजेस नहीं कर सकते, अपने तरीके से अल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन या एडिशन या डिलीट नहीं कर सकते हो। बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको अलाउ करता है कि मैंने आपको रास्ता बता दिया है, बट उस रास्ते को आपको कैसे अचीव करना है, आप उसमें अपने तरीके से क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आप उसमें अपने तरीके, अपने क्रिएटिविटी लगा सकते हो, अपना तरीका अपना सकते हो, अपना दिमाग लगा सकते हो, अपना चीजों को जोड़ सकते हो, या कोई चीजें अच्छी नहीं लग रही हो तो उसे क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वो चीजें फिट नहीं बैठ रही है तो उसे साइड कर सकते हो, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली कोई नई चीजें लाने की बात है तो उसे आप ला सकते हो। इन सेंस बट ध्यान सुना, ध्यान सुनो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, दिस आर नॉट सेट अ रिजिड स्टेटमेंट, दिस कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर्स। मैनेजर्स उसको मॉडिफाई कर सकता है, मैनेजर उसको चेंज कर सकता है, मैनेजर उसमें अल्ट्रेशन कर सकता है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट ऑब्सोल्यूट एंड मस्ट बी यूटिलाइज इन अ लाइट ऑफ चेंजिंग एंड स्पेशल कंडीशन। मैंने कहा कि अगर कंडीशन चेंज है तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी क्या करके यूज करना चाहिए, चेंज करके यूज करना चाहिए, उसमें चीजों को मॉडिफिकेशंस करके यूज करना चाहिए। अगर कंडीशंस डिफरेंट है तो आपको उसको उस तरीके से ही यूज करना चाहिए। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको अलाउ करता है कि भैया आप फ्लेक्सिबल है, आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप चीजों को चेंज कर सकते हो, आप चीजों को बना सकते हो, आप उसमें एडिशन कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हो। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कैसे आ सकते, आपको जो है कहीं पे रिजिड स्टेटमेंट दिखेगा तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात नहीं। रिजिड स्टेटमेंट कहाँ होता है, वो होता है साइंस के प्रिंसिपल्स में। भैया साइंस के स्टेटमेंट है तो ये रिजिड है, ये ही होके रहेगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है और मिलके वाटर बनता है, तो वो हर सिचुएशन में वाटर ही बनेगा, ऐसा नहीं कि वो किसी सिचुएशन में कोई चीज और चीज बन जाएगा। इधर बस ध्यान सुनना, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो हो सकता है कि आपको अलग रिजल्ट दे दे, हो सकता है कि वो डिफरेंट रिजल्ट दे दे। इसीलिए आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को क्या करोगे, आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अल्ट्रेशन कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं, सुनना इधर, कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मेनली बिहेवियरेबल है। मेनली बिहेवियरेबल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, मेनली बिहेवियरेबल का क्या मतलब होता है, देखिए अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में मेनली बिहेवियरेबल बोले तो समझिए क्या होता है। मान लो हमारा ये इम्प्लॉइज है, और ये जो हमारे इम्प्लॉइज है उनका बिहेवियर जो है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ पड़ा है। चेंज ये हुआ पड़ा है कि ये हमारे सारे लोग जो है वो नाराज,
ये सारे लोग खुश नहीं है, बहुत नाराज। समझना कि कैसे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे इंप्लॉइज के बिहेवियर को चेंज करता है। बिहेवियरेबल का मतलब क्या होता है? विच कैन चेंज योर बिहेवियर। क्या सुनना, ये हमारे इंप्लॉइज हैं और ये इंप्लॉइज बहुत नाराज हैं। ये बात हमें किसको पता चला? ये बात मैनेजर को पता चला। मैनेजर को पता चला भैया हमारे इंप्लॉइज नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया है। क्यों नाराज है? क्योंकि उनको रेमुनरेशन ठीक से नहीं मिल रहा है। अच्छा, ओके, इन द सेंस व्हाट कि हमारे इंप्लॉइज जो है नाराज इसलिए है क्योंकि ये दो प्रॉब्लम उनको हो रही है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। किसी का प्रमोशन कर दिया गया, किसी का प्रमोशन नहीं किया गया। जिनका परफॉर्मेंस था उनका प्रमोशन नहीं हुआ और जिनका परफॉर्मेंस नहीं था उनका प्रमोशन हो गया। अब एम्प्लॉय दुखी है, उनको सैलरी नहीं मिल रही अच्छे से, अच्छे पैसे नहीं मिल रहे। इस कंडीशन में एम्प्लॉय दुखी है। अब ये बात किसके पास आया? ये मैनेजर के पास आया। मैनेजर के पास ये बात आया तो मैनेजर ने क्या किया, ये इंप्लॉइज के ऊपर प्रिंसिपल फेंक के मारा। प्रिंसिपल नंबर वन, प्रिंसिपल नंबर टू। एक बोला प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यूज करेंगे और प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर रेमुनरेशन यूज करेंगे। जैसे फेंक के मारा, फेंक के मारने इन द सेंस कि अप्लाई करा, जैसे इन्होंने इधर प्रिंसिपल अप्लाई किया, इनके बिहेवियर क्या हो गए? चेंज हो गए। ये भैया बोला वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अब ये आराम से खुश हो गया। मतलब पहले नाराज था, पहले दुखी था, अब क्या हो गया? खुश हो गया। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली इधर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली अप्लाई ऑन, अप्लाई ऑन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स पे जब अप्लाई होता है तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करता क्या है कि हमारे इंप्लॉइज के बिहेवियर चेंज कर देता है। हमारे इंप्लॉइज जो है वो खुद से नाराज हो सकते हैं, या इंप्लॉय कामचोर से काम करने वाला बन सकता है, डिमोटिवेटेड से मोटिवेटेड बन सकता है। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है एक्चुअली में हमारे इंप्लॉइज के बिहेवियर को क्या करता है जी? चेंज करता है। समझ में आ रही बात? ध्यान से देखिएगा। अब आगे आते हैं, आगे हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डील करते हैं। देखिएगा इधर, अब हमारा है मेनली बिहेवियरल, देखिए इसको प्लीज बात मत करिए, इधर ध्यान दीजिए। देखिए इधर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारा, ये फ्लेक्सिबल के बाद हम लोग मेनली बिहेवियरल में क्या है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द इंप्लॉइज। मैंने क्या बोला, एक इंप्लॉइज के बिहेवियर को गाइड करने के लिए, एक इंप्लॉइज के जो है बिहेवियर को गाइड करने के लिए, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज किया जाता है। मोरेवर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनेबल अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव जो होता है वो फिजिकल रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन से होता है। जैसे मशीन जो है वो कौन सा रिसोर्सेस है? फिजिकल रिसोर्सेस है, और ह्यूमन बींग्स जो है, आई मीन इम्प्लॉय जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। ये ह्यूमन रिसोर्सेज और हमारे जो फिजिकल रिसोर्सेज है, इन दोनों का एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश होता है और इसी कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। तो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे इंप्लॉइज के बिहेवियर को चेंज करता है, हमारे इंप्लॉइज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे इंप्लॉइज के बिहेवियर को गाइड करता है। इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को क्या बोला गया है? बिहेवियरेबल। कौन सा बिहेवियरेबल? मेनली बिहेवियरेबल। मेनली मतलब यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया है? ह्यूमन बिहेवियरेबल, इन द सेंस ह्यूमन के बिहेवियर को जो है वो चेंज करने वाला होता है। आगे बात करते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है काउज एंड इफेक्ट होता है। ये काउज एंड इफेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान सुनिएगा इधर। अगर मैं कॉज एंड इफेक्ट की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान सुनना। देखिए इधर कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर एक पार्टिकुलर सिचुएशन में आप आते हैं, ध्यान सुनना, अगर आप एक पार्टिकुलर सिचुएशन में आते हैं, अगर पार्टिकुलर सिचुएशन में आते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? ध्यान सुनिएगा इधर, ध्यान सुनना इधर। मान लो हमारा जो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नंबर वन, प्रिंसिपल नंबर टू, प्रिंसिपल नंबर थ्री और प्रिंसिपल नंबर फोर। ये मैं अभी नंबर इसलिए यूज कर रहा हूं कि मैंने आपको अभी कोई प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस नहीं करा है। वैसे हमारे पास कई प्रिंसिपल्स हैं,
उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम बात कर सकते हैं। तुम्हारे पास मान लो प्रिंसिपल नंबर 1 है, प्रिंसिपल नंबर 2 है, प्रिंसिपल नंबर 3 है, प्रिंसिपल नंबर 4 है। और मान लो हमारे पास एक सिचुएशंस आ गया, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया। अभी सिचुएशन है सुन, अगर अभी सिचुएशन में, अब इस प्रॉब्लम के अंदर हमारा मैनेजर क्या एक्शन लेगा, हमारा मैनेजर क्या डिसीजंस लेगा, इस बात को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए हमें एक चीज पता होना बहुत जरूरी है कि भैया ये प्रिंसिपल जब अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, अप्लाई। अप्लाई मतलब क्या हुआ, कॉज। अप्लाई करने का इसका क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। हर एक प्रिंसिपल्स का कॉज एंड इफेक्ट जो है पहले से डिटरमाइंड है कि भैया ये प्रिंसिपल अप्लाई करेगा तो ये उसका कॉज है और उसका क्या रिजल्ट आएगा, वो उसका क्या है, इफेक्ट है। क्योंकि अगर ये पता नहीं होगा तो फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को सही तरीके से अप्लाई नहीं किया जाएगा। ध्यान सुनना इधर, हम लोग, ध्यान सुनो इधर, हम लोग बुखार लगने के बाद या तबियत खराब होने के बाद पारासिटामोल खाते हैं। क्यों खाते हैं, इसलिए इधर इसलिए खाते हैं क्योंकि पारासिटामोल का कॉज एंड इफेक्ट पता है कि पारासिटामोल खाओगे वो कॉज है और आप उसके बाद क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, उसका क्या है, इफेक्ट है। इसीलिए जो है हम लोग बीमार होने के बाद पार्टिकुलर बीमारी में ये दवा, इस बीमारी में ये दवा, समझो इसको दवा है, ये क्या है, दवा, और ये क्या है, बीमारी। इन द सेंस वर्ड कि ये बीमारी में ये वाला दवा, ये बीमारी में ये वाला दवा, ये बताता है कॉज एंड इफेक्ट। क्या बताता है, कॉज एंड इफेक्ट। तो ध्यान सुनिएगा, अगर कहीं के स्टडी के अंदर अगर ऐसी बात लिखी हुई है, कोई पार्टिकुलर सिचुएशन आ रहा है, उस पार्टिकुलर सिचुएशन में पार्टिकुलर प्रिंसिपल्स को हम यूज कर रहे हैं, उस प्रिंसिपल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे ये कौन से रिलेशंस को बता रहा है, तो ये कौन से रिलेशंस को बता रहा है, कॉज एंड इफेक्ट। इन द सेंस बट कि हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो बेस्ड होते हैं कॉज एंड इफेक्ट पे, क्योंकि वहां पे अगर कॉज एंड इफेक्ट नहीं होगा तो ये चीजें हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग उसको कब अप्लाई करना है ये चीज हम लोग नहीं जान पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने ये डील करा, ध्यान सुनिएगा। अब आगे बात करते हैं, देखिए इधर, फाइल का कौन सा नोट चाहिए, देखिए इधर, तो हम लोगों ने ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, ये इसके नेचर्स को क्या कर लिया, डील कर लिया। ध्यान सुनिएगा, इसके नेचर्स को क्या कर लिया गया, डील कर लिया गया कि भैया ये हमारे नेचर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डील कर लिया गया। अब आगे देखते हैं इसके फीचर्स में और है हमारे पास फीचर, यस ये है कंटीजेंट। ध्यान सुनिएगा देर, बहुत ही कंटीजेंट जो वर्ड है वो बहुत बार यूज होता है और आपके एग्जामिनेशन में भी कंटीजेंट वर्ड्स आते रहता है कि कंटीजेंट का क्या मतलब होता है। ध्यान सुनना इधर, कंटीजेंट का मतलब होता है कि अगर किसी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है तो आपके पास एक पार्टिकुलर सिचुएशन होना क्या है, जरूरी। इन द सेंस वट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटीजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिस्क्रिमिनेशंस नहीं हुआ है, जब तक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रिमुनरेशंस का प्रॉब्लम नहीं है, जब तक ऑर्गेनाइजेशंस का काम बड़ा नहीं है, तब तक आप प्रिंसिपल्स ऑफ डिविजन ऑफ वर्क अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है तभी आप प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी यूज कर सकते हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रिमुनरेशंस का प्रॉब्लम है तो ही आप जो है ये वाला प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। इन द सेंस बट सिंपल सी बात है कि हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ध्यान सुनना, हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, देखिए हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो कंटीजेंट और डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे मस्ट बी अप्लाइड वेरी केयरफुली डिपेंडिंग ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब आपको ये देखना है कि पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सिचुएशन है
तभी वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। अगर वो सिचुएशन नहीं है प्रिंसिपल को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप जो है दवा तभी खाएंगे जब आपको बुखार होगा, इन द सेंस अगर बुखार नहीं है तो दवा खाने की जरूरत नहीं है। इन द सेंस वो सिचुएशन अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है तो वो आप दवा खाएंगे तो उसका आपको कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, उसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। इन द सेंस बट कि वो प्रिवेलिंग सिचुएशन होना जरूरी है। कंटीजन का मतलब होता है डिपेंडेंट। कंटीजन का क्या मतलब होता है? डिपेंडेंट। आपका प्रिंसिपल तभी अप्लाई होगा जब वो पार्टिकुलर सिचुएशन प्रिवेल करेगा, पार्टिकुलर सिचुएशन वहां पे रहेगा, तभी वो अप्लाई हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा जी। ठीक है, ये था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ, ध्यान सुना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का बारे में हम लोगों ने फीचर्स डील करा। अब इसके ध्यान सुनिएगा इधर। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स के बाद ध्यान सुनना, चलिए आप लोग से एक बार मैं पूछ लेता हूं कि आपको क्या स्टेटस है, आपको क्या क्या समझ में आया। देखिए इधर एक बार आप खड़े हुए सर, आपने एक फीचर पढ़ा यूनिवर्सल अप्लीकेबल पढ़ा, अभी बताइए आप थोड़ा मुझे बताइए कि यूनिवर्सल अप्लीकेबल वाला मैटर में आपने क्या समझा। ध्यान सुनिएगा इधर। हाँ ओके, आप ये कह रहे हैं, इनका ये एक स्टेटमेंट है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल अप्लीकेबल का मतलब ये होता है एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज हो सकता है, चाहे उसका साइज कुछ भी हो, चाहे उसका लोकेशन कुछ भी हो, चाहे उसका नेचर कुछ भी हो। वेरी गुड, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए सर। आप मुझे ये बताइए कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है जनरल गाइडलाइंस, सॉल्यूशन, आई मीन रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं दे सकता। हाँ, ये आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन कर सकता है, ध्यान सुनिए, आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को क्या बोला गया है? जनरल गाइडलाइंस बोला गया। क्या बोला गया? जनरल गाइडलाइंस। इन द सेंस आप इसको ऐसा नहीं समझ ले कि भैया प्रॉब्लम नंबर वन है, प्रिंसिपल नंबर वन अप्लाई कर दीजिएगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है जी, ये आपका गाइडलाइंस है, ये डिफरेंट हो सकता है, इसका रिजल्ट जो है वो वैरी कर सकता है। आप खड़े हो जाइए, आप बैठ जाइए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है इवोल्यूशनरी है। इवॉल्व मतलब समझते हैं, इवॉल्व मतलब क्या होता है? हाँ, तो ये हेलो एक नया वर्ड आया, इवॉल्व। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इवॉल्व होता है। इवॉल्व होने का मतलब होता है कि वो जो है वो धीरे धीरे जो है वो क्या होता है, बनता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इवोल्यूशनरी कैसे है, थोड़ा बताइएगा हमको। ओके, इधर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बैठ जाइए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इवॉल्व होता है, इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट होता है। कैसे? एक्सपेरिमेंटेशन पे, ऑब्जर्वेशन पे, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज, हेलो, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होता है वैसे वैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी क्या होता है? चेंज होता है। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ आज के नया मॉडर्न में बिजनेस करने का अलग तरीका है, आज के प्रिंसिपल्स अलग हो सकते हैं और आते हैं, मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी आते हैं। अभी जो हम लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है वो क्या है, बहुत पहले बनाया गया है, ठीक है, बट ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है आज के मॉडर्न सिचुएशन में भी कैसे डील करना है, ये पार्टिकुलर सिचुएशन आएगा तो कैसे डील करना है, ऐसे कई प्रिंसिपल्स, आई मीन मॉडर्न जो मैनेजर्स है जो उन्होंने कई प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है इवोल्यूशनरी है। तो जी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लैक्सीबल कैसे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा सर्कमस्टांसेस अलग है, अगर सर्कमस्टांसेस अलग है
हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का सिस्टम अलग है, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में कल्चर अलग है, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का प्रोडक्ट अलग है, तो हम अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी उसके अनुसार क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, इट्स कंप्लीट फ्लेक्सिबल। ये हमारे मैनेजर्स पर डिपेंड करता है कि उसे कैसे अप्लाई करना है, मॉडिफिकेशंस करना है, चीजें हटानी है, चीजें उसके अंदर जो है ऐड करनी है, या उसको अलग तरीके से लगाना है, अपनी क्रिएटिविटी लगाना है, ये सारी चीजें वहां पे होती है। अब खड़े हो जाइए, बताइए मुझे, हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज मेनली बिहेवियरल। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरल, इसीलिए क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब हम अप्लाई कर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब हम अप्लाई करते हैं, तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली में हमारे इंप्लॉइज के बिहेवियर को क्या करता है, चेंज करता है, उनके बिहेवियर को चेंज करता है, उनके बिहेवियर को जो है वो अफेक्ट करता है, आप ये कह सकते हैं। आप बताइए सर, जिसान जी खड़े हो जाइए, बोलिए, हाउ द ब्रदर, हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या सेट हुआ, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा, इधर इफ यू विल अप्लाई दिस व्हाट विल बी द रिजल्ट, इधर ध्यान सुनो, इधर कॉज एंड इफेक्ट का मतलब, बैठ जाइए, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब यही होता है कि विल अप्लाई दिस व्हाट विल बी द इफेक्ट। तो ये रिलेशंस पहले से पता होता है, इसीलिए हम लोग अलग अलग सिचुएशन में आसानी से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को क्या कर पाते हैं, अप्लाई कर पाते हैं। समझ में आ रही बात? अब खड़े हो जाइए जी, आप बताइए, हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कंटीजेंट। कंटीजेंट, कंटीजेंट, इधर आप बताइए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंटीजेंट कैसे? अब बताइए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न कैसे बचे? ध्यान बैठ जाइए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंटीजेंट इसलिए, ध्यान सुना, फिर से एक बार सुनना, कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंटीजेंट इसलिए कहा जाता है कि अप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मतलब आप उसको हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो पार्टिकुलर सिचुएशन जिसमें वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होना चाहिए, वो पार्टिकुलर सिचुएशन प्रिवेल होना क्या है, जरूरी है। अगर वो प्रिंसिपल्स प्रिवेल नहीं होगा, फिर वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ये था हमारा जो नेचर एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगले क्लास में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ध्यान रखिएगा, अगले क्लास में चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चंस हैं, आपको जो बुक में दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आइएगा, और फिर कुछ और क्वेश्चन जो हम लोग लेके आएंगे चैप्टर नंबर 1 का, और वो क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद जी।